अगर आपका सपना है पटवारी बनना अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हो तो दोस्तों मैं लाया हूं आज आपके लिए बायोलॉजी के टॉप ट्वेंटी क्वेश्चन गाइज इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में सिलेक्टेड है आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज अगर आप पर्सनली पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी गाइज वीडियो को स्किप मत करना प्रत्येक क्वेश्चन का दो बार रिविजन करवाने वाला हूं एंड तक बने रहना गाइज अब करते हैं आज की क्लास स्टार्ट गाइज क्वेश्चन नंबर वन है सूक्ष्म जीवो में अनोक्सी शोषण के फल स्वरूप बनता है ऑप्शन नंबर ए लेक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी इथाइल एल्कोहल ऑप्शन नंबर सी पायरुबिक अम्ल ऑप्शन नंबर डी को ही नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इथाइल एल्कोहल गाइज इथाइल एल्कोहल को जहरीली शराब भी कहा जाता है मैं आपको बता दूं सूक्ष्म जीवों में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है दोस्तों तो जो ग्लूकोज होता है C6H2O6, दोस्तों ग्लूकोज ग्लूकोज का सूत्र होता होता है जो होता है जो उसको उत्प्रेरक या एंजाइम की सहायता से दोस्तों तोड़ा जाता है और दोस्तों किसका निर्माण होता है जहरीली शराब का निर्माण होता है इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए इल्कोहल बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी एक बार मैं आपका फिर रोजन करवा देता हूं दोस्तों सूक्ष्म जीवों में अनोक्षित शोषण की प्रक्रिया होती है अनोक्षित शोषण क्या होता है दोस्तों वह शोषण जिसमें हम ऑक्सीजन की सहायता नहीं लेते कहने का मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते तो दोस्तों इसमें जो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है वह उत्प्रेरक व एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है जब आप ग्लूकोज को उत्प्रेरक या एंजाइम की सहायता से तोड़ते हो दोस्तों तो दोस्तों जहरीली शराब का निर्माण होता है क्वेश्चन आपसे पूछा है सूक्ष्म जीवो में अनोक्सिस श्वसन के फलस्वरूप बनता है तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल बनता है जिसे आप जहरीली शराब कहते हो आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में स्वरयंत्र को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए लेरिक्स ऑप्शन नंबर बी फेरिक्स ऑप्शन नंबर सी सिरिक्स ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लेरिक्स जो लेरिक्स होता है ये मनुष्य में जो होता है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए गाइज फेरिक्स तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो दोस्तों यहां पर जो फेरिक्स है मैंने आपको लिख रखा है कि वायु व भोजन का कॉमन मार्ग होता है कौन दोस्तों फेरिक्स दोस्तों इस फेरिक्स को आप ग्रास नली भी कह सकते हो इसका हिंदी में नाम होता है ग्रास नली ये वायु भोजन का कॉमन मार्ग होता है ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए दोस्तों सिरिक्स तो सिरिक्स क्या होता है पक्षियों का जो सौर यंत्र होता है जिस तरीके से स्तनधारियों का या फिर मनुष्य का जो सौर यंत्र होता है उसे लेरिक्स कहा जाता है उसी तरीके से पक्षियों का जो सौर यंत्र होता है उसे सिरिक्स कहा जाता है

तेरह ऑप्शन नंबर सी चार ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दो जबकि दोस्तों जो कॉकरोच होता है जो कॉकरोच होता है इस कॉकरोच में हृदय कोष्ठकों की जो संख्या होती है दोस्तों हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो होती है तेरह और जो हमारे स्तनधारी होते हैं जैसे कि हम गाय भैंस घोड़ा बकरी इसके हृदय में कोष्टों की संख्या होती है गाइज चार गाइज में एक बार आपका फिर रिविजन करवा देता हूं मछलियों के हृदय में कोष्टों की संख्या होती है दो कॉकरोच के हृदय में कोष्टों की संख्या होती है तेरह स्तनधारी जैसे कि गाय भैंस घोड़ा बकरी है कु बिल्ली इन सब के हृदय में कोष्टों की संख्या होती है चार तो गाइज ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक बात और बताना चाहता हूं गाइज मैं आपको अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज आपको पता होगा मैं चैप्टर वाइज एम बायोलॉजी की करवाता हूं अगर आपने हमारे विटामिन ब्लड श्वसन तंत्र प्रजनन तंत्र इन सब की दोस्तों वीडियो एम नहीं देखी है आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से जाकर देख सकते हो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापक्रम होता है ऑप्शन नंबर ए छियानवे पॉइंट आठ डिग्री फोरेनाइट ऑप्शन नंबर बी सत्त्यानवे पॉइंट आठ डिग्री फोरेनाइट ऑप्शन नंबर सी डिग्री ऑप्शन नंबर डी है फोरेनाइट दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो फोरेनाइट में होता है दोस्तों अट्ठानवे पॉइंट चार डिग्री फोरेनाइट जबकि दोस्तों अगर मैं सेल्सियस की बात करूँ तो दोस्तों सैंतीस डिग्री सेल्सियस दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है और अगर केल्विन की बात करो दोस्तों तो 310 डिग्री केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है ऑप्शन नंबर ए सोडियम ऑप्शन नंबर बी गंधक ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम ऑप्शन नंबर डी लोहा तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम दोस्तों ये पोटेशियम होता है ये हमारा हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए सहायक होता है गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपोर्टेंट लगा लीजिए एक बात और बता देता हूं दोस्तों इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम में पूछे हुए है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वक्र का वजन होता है दोस्तों वक्र कहा जाता है किडनी को किसको कहा जाता है किडनी को क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रत्येक किडनी का वजन होता है ऑप्शन नंबर ए 250 ग्राम ऑप्शन नंबर बी 140 ग्राम ऑप्शन नंबर सी 1250 ग्राम ऑप्शन नंबर डी 1400 ग्राम तो गाइज ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 140 ग्राम वैसे प्रत्येक किडनी में दोस्तों 170 ग्राम वजन होता है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन में 140 ग्राम दिया हुआ है तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 140 ग्राम अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज आपका अगला क्वेश्चन है यूरिया का परिवहन होता है ऑप्शन नंबर ए आरबीसी द्वारा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा द्वारा ऑप्शन नंबर सी रुधिर द्वारा ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूबीसी द्वारा तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा द्वारा दोस्तों यूरिया का संश्लेषण किस में होता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लीवर में होता है गाइज ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरिया का संश्लेषण कहा होता है ये किसी किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मुझे याद नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है तो यूरिया का संश्लेषण दोस्तों लीवर में होता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यूरिया का परिवहन होता है तो दोस्तों यूरिया का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है हमारे शरीर में हमारी बॉडी में बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूं गाइज जो ऑक्सीजन होता है इसका हमारी बॉडी में परिवहन सत्त्यानवे प्रतिशत लगभग हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है और तीन प्रतिशत गाइज प्लाज्मा द्वारा किया जाता है एक बार मैं आपको फिर रिविजन करवा देता हूँ हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन सत्त्यानवे प्रतिशत तो हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है और तीन प्लाज्मा द्वारा किया जाता है गाइज अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड का 70 प्रतिशत परिवहन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है और लगभग 7 प्रतिशत दोस्तों प्लाज्मा द्वारा किया जाता है और दोस्तों 20 से 25 प्रतिशत लगभग हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है एक बार मैं आपको फिर करवा देता हूँ कार्बन डाइ का सत्तर प्रतिशत परिवहन द्वारा किया जाता है सात प्रतिशत परिवहन हूँ अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है मूत्र का रंग पीला होता है ऑप्शन नंबर ए मिलेन के कारण ऑप्शन नंबर बी यूरिकमल के कारण ऑप्शन नंबर सी यूरोक्रोम के कारण ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोक्रोम के कारण दोस्तों त्वचा का रंग जो परिवर्तन होता है वो के कारण होता है और का रंग, दोस्तों, पीला, के कारण होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति में जो भूखा रहते हुए भोजन जल तथा पेय नहीं ले रहा है उसमें पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए मूत्र में कम यूरिया ऑप्शन नंबर बी मूत्र में कम वसा ऑप्शन नंबर सी रुधिर में अधिक ग्लूकोज ऑप्शन नंबर डी रुधिर में अधिक यूरिया तो दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति जो भूखा रह रहा है जो दोस्तों जल नहीं ले रहा है भोजन नहीं ले रहा है या फिर कोई पेय पदार्थ नहीं पी रहा है तो दोस्तों उसमें क्या होगा उसके रुधिर में अधिक मात्रा होगी किसकी यूरिया की तो गाइज आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रुधिर में अधिक यूरिया होगा ऐसा व्यक्ति जो भोजन नहीं ले रहा है जो जल नहीं पी रहा है, फिर कोई नहीं ले रहा है। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में कपाल कोशिकाओं की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए दस जोड़ी ऑप्शन नंबर बी बारह जोड़ी ऑप्शन नंबर सी इकतीस जोड़ी ऑप्शन नंबर डी 46 जोड़ी तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़ी दोस्तों जो स्तनधारियों होते हैं उसमें कपाल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है सॉरी दोस्तों कपाल कोशिका नहीं है कपाल तंत्रिका है कपाल तंत्रिका है तो दोस्तों 12 जोड़ी स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है जबकि जो 31 जोड़ी है दोस्तों वो मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है एक बार मैं आपका फिर रिविजन करवा देता हूं दोस्तों इस में कपाल तंत्रिकाएं बारह जोड़ी जबकि क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए छियालीस ऑप्शन नंबर बी सैतालीस ऑप्शन नंबर सी तेईस ऑप्शन नंबर डी बीस तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेईस मैं आपको बता दू गाइज जो शुक्राणु होते हैं जो शुक्राणु होते हैं और दोस्तों के अलावा जो महिला में पाए जाते हैं अंडाणु दोस्तों इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों इन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है तेईस जब दोस्तों शुक्राणु व अंडाणु दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको पता होगा युग्मनज युगमनजायगोट का निर्माण होता है युग्मनज युगनजोट भी एक प्रकार की कोशिका है और इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है गायस ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो तेईस होती है शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों तेईस होती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए युग्मनज युगनजायगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो गायज छियालीस होती है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा किस में जनन की क्रिया होती है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा द्वारा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में ऑप्शन नंबर सी दोनों में ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों में दोस्तों मुकुलन द्वारा जनन की जो क्रिया होती है वो हाइड्रा व ईस्ट दोनों में होती है तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जरायुज है ऑप्शन नंबर ए मछली ऑप्शन नंबर बी मेंढक ऑप्शन नंबर सी खरगोश ऑप्शन नंबर डी सभी तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो हो होगा ऑप्शन नंबर सी खरगोश दोस्तों दो प्रकार के जीव होते हैं एक होता है जरायुज और एक होता है दोस्तों अंडायुज़ अब ये अंडायुज क्या है और जरायुज क्या है दोस्तों जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है जो डायरेक्ट जीव को जन्म देता है उन्हें जरायुज कहते हैं और दोस्तों जो डायरेक्ट अंडे के रूप में बच्चे को जन्म देता है उन्हें अंडा कहा जाता है तो क्वेश्चन आपसे पूछा है इनमें से कौन जरायुज है तो दोस्तों खरगोश डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है इसलिए दोस्तों इसे जरायुज में रखा गया है आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है शुक्राणु परिपक्व होते हैं ऑप्शन नंबर ए वर्षण में ऑप्शन नंबर बी अधिवर्षण में ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिकाओं में ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अधिवर्षण में दोस्तों शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो होता है वर्षण में जबकि दोस्तों परिपक्व होते हैं वो अधिवर्षण में होते हैं और दोस्तों शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है तो शुक्रवाहिका करती है एक बार मैं आपका फिर रिविजन करवा देता हूं शुक्राणु का निर्माण होता है दोस्तों वर्षण में निर्माण किस में होता है वर्षण में होता है शुक्राणु का परिपक्व अधिवर्षण में होता है जो कि आपका राइट आंसर है जबकि दोस्तों मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है शुक्राणुओं को तो दोस्तों शुक्रवाहिका करती है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस तो गाइज मैं आपको बता दू जो हमारी हड्डी होती है और दोस्तों जो सीमेंट होता है जिन्हें हम दोस्तों चुनाई में काम लेते हैं मकान बनाने में काम में लेते हैं दोस्तों इनमें कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है तो दोस्तों कैल्शियम इनमें समान रूप से पाया जाता है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है रीड की हड्डी के अंदर की परत को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए ब्यूटिकल ऑप्शन नंबर बी डर्मिस ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस ऑप्शन नंबर डी पपिला तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस दोस्तों रेड की हड्डी के अंदर की जो परत होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं ऑप्शन नंबर ए आठ ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर बी सी बीस ऑप्शन नंबर डी बत्तीस तो गाइज मैं आपको बता दूं आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बीस दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में केवल एक बार दांत निकलते हैं दोस्तों ये बीस जबकि दोस्तों बारह दांत होते हैं जो दोस्तों दो बार निकलते हैं जो कितने बार निकलते हैं दो बार निकलते हैं और दोस्तों मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है बत्तीस होती है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग ने ऑप्शन नंबर बी बेटिंग ने ऑप्शन नंबर सी दोनों ने ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा इंसुलिन जो होता है इसकी खोज की थी बेंटिंग ने बात आपको अच्छे से क्लियर है अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन क्या है ऑप्शन नंबर ए एक विटामिन है ऑप्शन नंबर बी एक एंजाइम है ऑप्शन नंबर सी एक हार्मोन है ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं तो गाइज मैं आपको बता दूं थायरोक्सिन है ये एक प्रकार का हार्मोन है बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर गाइज आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दूध में कमी होती है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम की ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी की ऑप्शन नंबर सी खनिज की ऑप्शन नंबर डी लोहा की तो दोस्तों जो हमारा दूध होता है इस दूध में विटामिन सी की कमी होती है और दोस्तों इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दोस्तों इसमें खनिज भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं लोहा भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी अगर गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत